आपके आने से प्रगति काफी दिखाई दे रही है, चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई कांग्रेस, क्या कहना है? राजनांदगांव पहले भी मैं आया हूँ, पहली बार नहीं जी, और पूरे प्रदेश भर में हम लोग जा रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जितने शीर्ष नेतृत्व को, और आज जो बूथ कमेटियों का अभियान चला रखा है, ना केवल बूथ पे बल्कि पारा टोला और अनुभाग, वहाँ सबसे पहले कमेटी बनके और तब बूथ बनेगा, मजबूती के साथ में खड़ा करने के लिए पूरे प्रदेश भर में अभियान है। और दूसरा, असंगठित श्रमिक, ट्रेड यूनियन तो हैं लेकिन जिनके ट्रेड यूनियन नहीं है उनके अधिकारों को कैसे संरक्षण किया जाए, कांग्रेस पार्टी ने उनकी चिंता की है और उसके लिए संगठन बनाया है, तो उसकी भी बैठक है और जगह जगह पर कार्यक्रम चल रहे हैं, हर जगह कहीं पदयात्रा है, कहीं जन अधिकार यात्रा है, हसकल समापन हुआ है, हसदेव जन यात्रा का, और जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, जो जन सैलाब उमड़ता है जगह जगह पर, चाहे पदयात्रा हो चाहे जनसभाएं हो, उससे स्पष्ट संकेत है कि परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सर, लगभग फरवरी, पूरी आधी फरवरी आपने छत्तीसगढ़ में मतदान किया है, तो क्या लगता है कांग्रेस पक्ष में क्या मामला, कैसे मामला? मैं तो सभी जिले हैं वहाँ का अधिकांश भ्रमण हो चुका है, कई कई जगह दो दो तीन तीन बार मैं भी जा चुका हूँ, तो मैंने जैसे कहा कि अब स्पष्ट रूप से परिवर्तन की लहर है, इस सरकार की जो 14 साल से है, 15वां साल वह पूरा हो जाएगा इलेक्शन आते आते, इसकी जितनी बदनामी है, जितना भ्रष्टाचार है, जो गरीबों का अधिकारों का शोषण किया है, हनन किया है, उसकी पराकाष्ठा है, और कांग्रेस पार्टी के प्रति स्वाभाविक रूप से झुकाव है, लगाव है, और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा, फिर दोहराना चाहूँगा कि परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार अवश्य बनेगी। परिवर्तन तो आप प्रदेश में चाह रहे हैं, लेकिन राजनांदगांव तो विधानसभा क्षेत्र जो बार बार टिकट दी जा रही, क्या उसमें भी परिवर्तन होगा? अभी टिकट वितरण का समय नहीं आया है, और हम लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से सभी लोगों से कहा है कि 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है, अगर कहीं कोई कमी रही है तो कमी पूरी करने का भी समय अब पूरी तरह से है, और जब समीक्षा होगी उस समय देखा जाएगा कि कौन कितना प्रभावशाली है अपने क्षेत्र में, कितना लोकप्रिय है अपने क्षेत्र में, कौन जीतने की स्थिति में है, बहुत से पहलू हैं, उस पर ध्यान रखते हुए टिकट वितरण करते हैं।